Hi, hello, good morning all. Welcome to the Madhu's Crazy World. So yes, it's my first episode and हम कुछ कुछ बातें भी करेंगे इसमें अच्छी अच्छी सी और साथ साथ में हम कुछ कुकिंग करेंगे. तो हम शुरुआत करेंगे जो मैं छोटी छोटी सी आपको रेसिपीज़ दूंगी वो इतनी मुश्किल नहीं होंगी कि आपको एक एक घंटा या दो दो घंटा किचन के अंदर खड़ा रहना पड़े. विल स्टार्ट विथ स्मॉल वंस जिसमें कि हम फटाफट फास्ट कुकिंग करें और हमारा जल्दी से खाना बन जाए. नाउ अभी वी वर आउट समवेयर, हम अभी सुबह 7:45 से निकले हुए, इट्स अ संडे और हम 7:45 से निकले हुए, अभी हमने जस्ट एंटर किया है घर के अंदर एंड मैंने सोचा जल्दी से हम लोग कोकी अंडा बनाएंगे आज. सी वी आर सिंधीज और हमें कोकी अंडा इज बेसिकली अ सिंधी डिश. तो इट्स वेरी यमी, आप एक बार ट्राई करके देखेंगे, बना के देखिए, बहुत ही सिंपल है, बड़ी जल्दी बन जाता है. तो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले अंडा ऑमलेट बनाने में तो कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट सी थोड़ा सा प्याज, ठीक है, थोड़ा सा धनिया. ऑमलेट बनाने की मैं आपको रेसिपी नहीं देने वाली हूँ, इट्स जस्ट अ सिंपल ऑमलेट. ओके, चाय मैंने पैन में चढ़ा दी है. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद कोकी. कोकी का हमने आटा कैसे गूंदना है. सो आई हैव टेकन 1 कप ऑफ आटा, प्लेन फ्लोर, जो भी आप घर में आटा यूज करते हैं, मैंने वही उठाया है. नाउ इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूंगी और मैं सॉल्ट डालूंगी. सो हेयर गोज द सॉल्ट, टू योर टेस्ट, जितना अच्छा लगता है उस हिसाब से डालिए. ओके, एंड इसमें थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर डालूंगी, ब्लैक पेपर पाउडर इसमें बहुत अच्छा लगता है, वेरी टेस्टी. और इसमें अब जाएगा, समझिए, आपने 1 कप अगर आपने ये लिया है तो कम से कम, नहीं तो इसके अंदर 4 बिग घी के स्पून जाएंगे इसमें. इट विल बी अराउंड हाफ अ कटोरी यू कैन से, ठीक है, ये आपके मेल्ट होके, मैंने क्योंकि अभी मेल्ट नहीं किया है तो इसलिए आपको ये ज़्यादा लग रहा है, आज मैंने फास्ट में बना रही हूँ. अगली बार जो वीडियो बनेगा वो हम थोड़ा सा वो करेंगे, जैसे मट्टी का आटा होता है ना, समझिए उसी की तरह होता है, इट्स लाइक मट्टी, बट ये मट्टी नहीं होता. मट्टी आप डीप फ्राई करते हैं, इसको आप तवे के ऊपर रोटी की तरह फ्राई करते हैं. सो इट इज़ मोर देन अ पराठा एंड इट इज़ लेस देन अ मट्टी, सो समवेयर इन बिटवीन. सो ये हमने देखिए ये इस तरीके से, जैसे ये आपने घी डाला इसके अंदर तो ये ग्रैन्यूल से थोड़े से बन गया आटा. अब इसको मैं पानी से, बाकी पानी से गूंदूंगी, थोड़ा सा पानी डलता है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डलता. सो हियर गोज द वाटर इनसाइड और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड कीजिएगा, एक साथ मत डाल दीजिएगा क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी हमने बहुत पतली नहीं रखनी. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ आटा रोटी, इट इज़ गोइंग टू बी कोकी. वो कोकी का आटा जो होता है थोड़ा सा सख्त होता है, उतना पतला नहीं होता क्योंकि हमें इसे मोटा मोटा बेलना है. ये देखिए, ये मेरा कोकी का आटा रेडी है कि जब तक मैं तवा चढ़ाऊंगी तब तक ये आटा सेटल हो जाएगा, मुझे इसको बहुत ज़्यादा देर गूँ के नहीं रखना है. सुनाओ, ऑमलेट का बैटर मैंने बना के रखा है, उसमें मैंने हरी मिर्च डाली, हरा धनिया डाला और प्याज डाला. मेरे कुकिंग में आपको मोस्टली एक्स्ट्रा मसाले नहीं मिलेंगे, अदरवाइज आई स्टिक टू नॉर्मल नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया एंड इट वर्क्स वंडर. So now I'm starting with कोकी. now आप थोड़ा बड़ा भी उठा सकते हैं, अभी फिलहाल मैं छोटू सी चानी उठा रही हूँ, देखिए इतना सा. आटा लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये ऑलरेडी मट्ठी का जैसा आटा वो बना गूंदा हुआ है, तो इसमें आपको आटा लगाने की, सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है. so, मैं छोटी छोटी सी बना रही हूँ, इतनी मिनीचर्स. ये बच्चे आजकल अकेले रहते हैं, हाँ बैचलर्स हैं, अब आप कहेंगे इतना सारा घी डाल दिया, हाँ डाल दिया भाई, तो करना क्या है आपको, एक टाइम खाइए,
ब्रंच कर लीजिए, आज आपका दिल कर रहा है कोकी अंडा चाय, ब्रंच कीजिए और उसके बाद सीधा डिनर कीजिएगा, मत कीजिए लंच। लंच में फ्रूट्स खाइए या फिर एंजॉय कीजिए, जाइए घूम फिर के आइए। तो हैव ये ऐसी दो तीन उड़ा लो, साथ में दो अंडे फाड़ के खा लो और उसके बाद एंजॉय करो अपने लाइफ को। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको सेक रही हूँ पहले, ये हल्का सा इसमें सिकावट आ जाएगी, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करना आपके अपने हाथ में है, आपको जैसे अच्छा लगता है आप उस तरीके से कीजिए फ्राई। ये मेरी ये कोकी बन रही है, इसको कितनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है ना, आटे की, देसी घी की। और यू नो ये बनाइएगा तो देसी घी में बनाइएगा, अगर आपने इसको ऑयल में बना सकते हैं आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन वो जो खुशबू और जो टेस्ट आएगा ना वो आपका देसी घी से ही आएगा, वो और किसी चीज़ से नहीं आएगा। सो नाउ कम्स द स्टेज जहाँ मैं अब इसको फ्राई करूँगी। मैं इसको चीज को आप खा रहे हैं अच्छे से खाइए, ओके। उसके बाद अपना डाइटिंग करना है डाइटिंग कीजिए, किसने मना किया, कभी कभी तो चीट डे होता है ना, तो ये वाला जो आइटम है ये चीट डे वाला आइटम है। हेल्दी डाइट भी बनाएंगे, हेल्दी ऑप्शंस भी दूंगी मैं आपको, लेकिन आज जो है आज हमारा चीट डे होने वाला है। इट्स वेरी हेल्दी, इसमें देसी घी है और रिफाइंड ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ फ्राई करने के लिए, बट आप चाहें तो उसको देसी घी से भी फ्राई कर सकते हैं, एज यू विश, नो इशू। सी द कलर एंड द टेक्सचर, ओ माई गॉड। इसके ऊपर डालिए मक्खन और इसके साथ में लीजिए ऑमलेट और उसके साथ में लीजिए चाय। सो हियर गोज द ऑमलेट। Here goes my omelette. Let's start with another one. I'll not be setting any special kitchen for you guys, so it will be a natural way. जैसे हम घर में खाते हैं मैं वैसे ही आपको दूंगी परोस के। सो गाइस हियर इज द फाइनल स्टेज नाउ, हमने कोकी बना दी, उसके ऊपर मक्खन डाल दिया, साथ में ऑमलेट बना दिया और ये मैं गर्मा गर्म चाय। हियर गोज, सो वी स्टार्ट द ब्रेकफास्ट, ओके बाय। लेट्स होप सो दैट यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट देन वो रूटीन वाला लैंग्वेज बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एंजॉय कीजिए। सो अगला वीडियो बनाऊंगी, आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं बनाऊंगी। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।